अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज तहारी की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, जो वीवर्स रिक्वेस्ट थी। और अगर आप इसी तरीके से ये वेज तहारी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट ये तहारी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं वेज तहारी की ये रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है और उसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून तेल। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 स्टार फूल, एक बड़ी इलायची, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम भून लेंगे लाइट पिंक कलर होने तक। तो ये देखिए, प्याज को मैंने लाइट पिंक कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने ले ली है गोभी, गाजर। आप पीसेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहे तो गोल पीसेस कट करें या इस तरह से लंबे पीसेस भी कट कर सकते हैं। बीन्स, आलू, ये देखिए आलू के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और मटर। तो यहाँ पर जो टोटल सब्ज़ी मैंने ली है वो 250 ग्राम ली है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम सब्जियों को भी भून लेंगे। तो हाई फ्लेम पर मैंने भूनना है 2 मिनट के लिए। तो देखिए 2 मिनट तक मैंने सब्जियों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए ताकि मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। तो 1 मिनट तक मैंने देखिए अच्छे से मसाले को भून लिया है सब्जियों के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम ऐड की है दही। मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे दही का पूरा पानी ड्राई होने तक, और जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता तब तक हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। तो ये देखिए तेल रिलीज़ होने लगा है, दही का पूरा पानी ड्राई हो गया है और सभी मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को। तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिया है 1.5 ग्लास, जिसे मैंने आधे घंटे पहले से भिगो कर रखा हुआ था, वो हम राइस इसमें ऐड कर देंगे। और फिर से हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और चावलों को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो चावलों को भी मैंने भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास राइस लिया है, तो मैं 2.5 ग्लास यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। चावलों से 1 इंच ऊपर तक हमने पानी रखना है ताकि चावल जो है वो एकदम परफेक्टली कुक्ड हो। तो चावल से 1 इंच ऊपर तक मैंने पानी रख लिया है और ग्लास के हिसाब से मैंने 1.5 ग्लास राइस में 2.5 ग्लास पानी ऐड किया है। मिक्स करने के बाद नमक ज़रूर चेक कर ले, अगर नमक कम है तो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर ली। अब हम हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे जब तक कि ऊपर का पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए पानी पूरा ड्राई हो गया है, अब हम इसे करेंगे मिक्स।
और गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये पक नहीं जाते पूरी तरह से। तो हम दम देंगे ढक्कन ढककर और 10 से 12 मिनट के लिए हम पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर मैंने बिल्कुल पका लिया है 12 मिनट के लिए और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन वेज तहारी बनकर तैयार है। चावल देखिए एकदम खिले खिले बने हैं और बहुत ही बेहतरीन ये बनकर तैयार होते हैं। आप भी इसी तरह के से वेज तहारी बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। तो ये हमने सर्व कर लिया, आप इसे सर्व करें सलाद के साथ या ग्रीन चटनी के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।